नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाडली बहन आवास योजना के बारे में। काफ़ी कैंडिडेट्स कमेंट्स कर रहे थे प्रीवियस वीडियो पे कि सर यहाँ पे जो है कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, इस योजना के बारे में अच्छे से फुल वीडियो बना दीजिए जिसमें हम लोग को पता चले कौन लोग यहाँ पर जो आवेदन कर पाएंगे, कौन लोग पात्र हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किन लोग को इसमें बेनिफिट्स दिया जाएगा, ठीक है, किन लोग को यहाँ पर जो इसमें मकान दिए जाएंगे, पक्के मकान, ये योजना का यहाँ पे जो है कौन लोग किस तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, सारे जितने भी आपके क्वेश्चन थे उन सब के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो जाए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर। जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए, सबसे पहले आपको अपडेट्स मिलती रहे। इस चैनल पर मैं जितनी भी मध्य प्रदेश की योजनाएं आती हैं उस पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ, साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में भी मैं वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स पहले आप समझ लीजिएगा कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब पात्रता यहाँ पर दी गई हुई है तो आप देख सकते हैं आवेदन परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास नहीं है, ठीक है, वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ काम भूमि नहीं है, ठीक है, वो लोग यहाँ पर जो है आवेदन कर पाएंगे। आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS दुकान से राशन प्राप्त पर्ची धारित करता है, ठीक है, तो वो लोग राशन की दुकान से जो लोग राशन लेते हैं वो लोग यहाँ पर जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे। आवेदक परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है, आप लोग टैक्स नहीं भरते हो, ठीक है, वो लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। आवेदक परिवार कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं हो, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब से नहीं हो, वो यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदक का नाम, उस ग्राम, जगह व आवासीय भूखंड चाहता है, दिनांक 1 जनवरी 2021 तक मतदाता सूची में नाम दर्ज है, तो वो यहाँ पर जो है पात्रता की लिस्ट दी गई हुई है, आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। अब प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी, तो आवेदक द्वारा आवासीय भूखंड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन SAARA पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रस्तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत सचिव व पटवारी प्रदेश प्रतिवेदक प्रेरित किया जाएगा। ग्राम पंचायत के सचिव व पटवारी द्वारा आवेदक की जांच और प्रतिवेदक तैयार किया जाएगा। उसके बाद बोला गया है पात्रता आवेदक अनुसार परीक्षक व पात्रता आवेदक की तैयार सूची की जाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है 5th पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो बोला गया हुआ है पात्र अपात्र परिवारों को ग्राम पंचायत द्वारा सूची संबंधित ग्राम व निवासियों के आपने व सुझाव आमंत्रित किए जाने के लिए प्रकाशित की जाएगी। सूचना चौपाल, गुड़ी चावड़ी आदि सार्वजनिक स्थान तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में यहाँ पे जो है की जाएगी, तो ये चीज़ यहाँ पर जो है बोली गई हुई है, ठीक है। तो तहसीलदार सूचना वितरित तारीख व स्थान आपत्तियों सुझाव व परीक्षण करने के लिए पात्र अपात्र आवेदक की सूची तैयार करेंगे, तो इस तरीके से प्रक्रिया यहाँ पर रखी गई है। अब आवेदन किस तरीके से करना है, तो आवेदन करें इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर आवेदन नहीं हो रहा है तो आप लोग यहाँ पर जो है कैफे जा सकते हैं, वहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर जिला सेलेक्ट करना होगा, तहसील यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, पटवारी का हक का यहाँ पर दिया होगा वो आपको सेंड करना होगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम, उसके बाद यहाँ पे जो है आपका आधार नंबर, समारोह ID, ये सारी डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको आपका आवेदक की जन्म, यहाँ पे जो दिनांक, जाति, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, वर्तमान का स्थान आपका, उसका आधार नंबर, ठीक है, आपके यहाँ पे जो पत्नी है या फिर पिता तो आपको उनका आधार का नंबर आपको देना होगा, समारोह ID आपको देनी होगी। उसके लाडली बहन लक्ष्मी का आप यहाँ पे जो है आपको इसमें बेनिफिट्स मिल रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स देनी होगी, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर जो आपकी लगने वाली है। इसमें यहाँ पर आएगा आवेदक परिवार के लिए स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवश्यक है, यस और नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। इस तरीके से पूरी जो भी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी सूची में वो सब आपको सिलेक्ट करना होगा। अन्य कोई विवरण आप देना चाहते हैं तो वो आपको देना होगा। प्रीवियस एंड सबमिट पे यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सिंपल सा यहाँ पर जो प्रोसेस रखा गया हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर आप जो है इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आवेदन करना है, इस पर मैं फुल वीडियो बनाऊंगा लाइव, यहाँ पर जो है किस तरीके से आवेदन करना है मैं बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर मैं बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आऊँगा, 1-2 दिन में यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा आप खुद अपने घर से किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, कोई गलती हो गई है सुधार किस तरीके करना है वो सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। लॉगिन किस तरीके से करना है, ठीक है, मैं आपको फुल प्रोसेस बता दूंगा। अभी फॉर्म के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कोई गलती नहीं कीजिएगा, अगर आपको नहीं पता तो फॉर्म नहीं भरीजिएगा। आप यहाँ पे जो है पास में आपके नज़दीक में जो कैफे वहाँ से आप फिलअप करवाइएगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब यहाँ पे जो है अगर आप और डिटेल्स में देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाडली बहन योजना आवास योजना का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे जो है कच्चे जिनके मकान है, जिनका घर नहीं है, उन लोग को पक्का मकान यहाँ पे जो है देना है, ठीक है। अब कब से यहाँ पर योजना स्टार्ट की है, तो 17 सितंबर से 5 अक्टूबर यहाँ पर जो है फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास अभी समय है, आप अभी यहाँ पर जो है 15 से 20 दिन है, आप यहाँ पर इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं आपको गाइडलाइंस बता चुका हूँ, ठीक है, क्या इसकी यहाँ पर जो है गाइडलाइंस है। अब डॉक्यूमेंट देख लीजिए आप, आवेदक का आधार कार्ड, समागम ID, मूल निवासी प्रमाण पत्र, लाडली बहन योजना का पंजीकरण प्रमाण पत्र,
बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर और कुल फॉर्म पासपोर्ट साइज़ यहाँ पर जो है फोटोग्राफ आपकी लगेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है एमपी ऑनलाइन आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पे जो है ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके ग्राम में यहाँ पे जो भी नगर निगम है, ठीक है, शहर में आपके, उसके बाद ग्राम में यहाँ पे जो है आपका जो ऑफिस है वहाँ पे आप कार्यालय में जाके पता कर सकते हैं। तो आपको फॉर्म भी यहाँ पर जो है वहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर जो है सारी चीज़ बता दी कि उन लोग को यहाँ पर बेनिफिट्स दिया जाएगा, किस तरीके से आवेदन करना है, क्या प्रोसेस यहाँ पर रखी गई है। बाकी अब भी अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपके क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर जो है पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके सारे जवाब दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप आवेदन कर चुके हैं और आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, आपकी पर्ची यहाँ पर देखना चाहते हैं आवेदन क्रमांक क्या है, तो आप यहाँ पे जो इस तरीके से क्लिक करेंगे आवेदन वाले में, उसके बाद आपको समरूह आईडी डालनी होगी, मोबाइल आई यहाँ पर जो है आपको डालना होगा, खोजे पे क्लिक करेंगे, आपका रिकॉर्ड यहाँ पर बता देगा जो भी यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। अभी हमने अप्लाई नहीं किया है तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है, बाद में यहाँ पर जो है अप्लाई आपका यहाँ पर आईडी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है आप लोग इस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, सारी चीज़ यहाँ पर जो है मैंने आप लोग को बता दी है। तो आइए दोस्तों, वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो को आप ज़्यादा से शेयर कीजिएगा उन लोग में जिन लोग को यहाँ पर जो है इसकी ज़रूरत है। बाकी इसमें कोई भी न्यू अपडेट आएगी या फिर कुछ भी यहाँ पर न्यू अपडेट्स आती है, ठीक है, कोई चेंजेस, कोई बदलाव होते हैं तो आपको बता दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।